हाय फ्रेंड्स, सो मैंने अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है। मैंने बेस मेकअप में जो इस्तेमाल किया है वो है मेबलिन का ये मैट पोरलेस 230 नेचुरल बफ शेड। ये मैंने लगाया है और इसके ऊपर मैंने टॉपिंग की है विथ कॉम्पैक्ट मियोन। मैंने आईब्रोज ऑलरेडी कर ली हैं। चलिए बिगिन करते हैं और मैं हल्का सा जो है लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि लिप्स मेरे जो है ड्राई फील हो रहे हैं। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों SFR का ये आईज़ एंड चीक पैलेट। इसका मैंने हॉल किया था, कप्स एंड लैशेस में शेयर किया था मैंने इसे। सो आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल शेड्स है और इसमें आते हैं 8 आई शेडोज़ विथ हाईलाइटर एंड कॉन्टोर ब्लश शेड। ब्लश उसका मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी बट आई यूज़ अदर शेड्स। तो चलिए सबसे पहले आई शेडो कर लेते हैं। आई शेडो के लिए मैं अपना आई शेडो ब्रश ले रही हूँ एंड यहाँ पे ये शेड्स हैं। तो मैंने ब्लैक पहन के रखा हुआ है इसलिए मैं कुछ यू नो ब्लू या ब्लैक ऐसे कुछ कलर्स ट्राई करूँगी। सो सबसे पहले मैं ये मैट वाला शेड लेती हूँ और इसे अपनी लिड एरिया में लगा लूँगी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड शेड्स हैं। सो ये जो ग्रेश मैट शेड है इसको मैंने अपनी आईलिड पे लगा लिया और देन मैं यूज़ करूँगी ये ब्लू वाला शेड और इसे ऑन टॉप ऑफ दैट लगाऊंगी। थोड़ा सा ड्यूअल टोन देने के लिए और हल्का सा जो ये शिमर वाला शेड है इसको ऊपर अपनी फिंगर्स की मदद से ही मैं ले रही हूँ और देख सकते हो कितना पिगमेंटेड शेड है ये। तो ये मैंने लगा लिया यहाँ पे और कॉर्नर्स में ये मैट ब्लैक जो शेड है उसे कॉर्नर्स में लगा रही हूँ। और सारा कुछ जो है ब्लेंड कर लूँगी मैं यूजिंग द सेम ब्रश। सो दैट्स इट। क्विकली मैंने ये अपना आई मेकअप कर लिया। अभी मैं आईलाइनर एंड काजल कर लूँगी। आईलाइनर के लिए देखते हैं मैं कौन सा आईलाइनर यहाँ पे यूज़ करती हूँ। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबलिन का माई ऑल टाइम फेवरेट आईलाइनर है ये एंड तो इसे लगाते हैं। और दोनों ही तरफ मैंने जो है विंग्ड लाइनर किया हुआ है। तो अभी इसी पैलेट में से जो है मैं ये मैट ब्लैक शेड को नीचे थोड़ा सा आंखों के नीचे लगा रही हूँ। इससे जो है थोड़ा सा आंखें जो है बड़ी लगती हैं और स्मजिंग ब्रश लेके इसको स्मज कर लूँगी। आप देख सकते हो कितना इफेक्ट आ रहा है, आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। एंड देन आई अप्लाई माय फेवरेट मस्कारा जो है मियोन का मस्कारा, फुल वॉल्यूम मस्कारा है ये। सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड इस लुक के साथ दोस्तों आपको ना आई लैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आँखें जो है इतनी ब्राइट और इतनी बड़ी लगती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी और ये फुल वॉल्यूम मस्कारा है सो इससे जो है बहुत अच्छी वॉल्यूम आ जाती है आई लैशेस में। डिफरेंस आ जाता है। सो आप देख सकते हो आँखें कितनी अच्छी और कितनी बड़ी लग रही है और मैंने लेंसेस ऑलरेडी लगा कर रखी हुई हैं।
सो ये हो गया मेरा आई मेकअप। नेक्स्ट अब हम इसमें से जो है कंटूर शेड लगाएंगे, ये हल्का लाइट ब्राउन वाला, उसको मैं एज अ कंटूर शेड लूँगी। दैट्स इट। और यहाँ पे कंप्लीट। और अभी जो है मैं हल्का सा ब्लश लगा लेती हूँ। पहले ब्लश के लिए मैं अपना सिवाना का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ प्रो हेजरी ब्लशर एंड हाइलाइटर, जिसमें से मैं ये पिंकिश वाला शेड लूँगी। एंड देन इसी पैलेट में से SFR में से मैं ये हाइलाइटर शेड जो है उसे हाइलाइटिंग करूँगी। यू कैन सी द हाइलाइट ओवर हियर जब लाइट पड़ती है। सो अपना आई मेकअप एंड फेस मेकअप कंप्लीट करती हूँ यूजिंग SFR पैलेट। और अभी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। सो लिपस्टिक के लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पे शुगर की, मेरी फेवरेट शेड है। आजकल समर्स है तो समर्स में कोरल ऑरेंज, ऑरेंज रेड, इस काइंड के शेड्स अच्छे लगते हैं। सो मैं यूज़ कर रही हूँ टैंजरिन क्वीन शेड नंबर 06। ये लिक्विड लिपस्टिक है। दैट्स इट दोस्तों, दिस इज़ अ फिनिश्ड लुक यू गाइज। एंड ये मैंने क्रिएट किया है यूजिंग माई फेवरेट दीज डेज SFR का आईज एंड चीक पैलेट। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी इन केस यू वॉन्ट टू चेकआउट और बाई फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा क्विक लुक यूजिंग SFR पैलेट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।